खटीमा में आज सीएम धामी जहां ककड़ाक रोकोजाइल ट्रेल का लोकार्पण उन्होंने किया। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर लोकार्पण किया है ककड़ाक रोकोजाइल ट्रेल का। ककड़ाक रोकोजाइल ट्रेल का लोकार्पण यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। सुरई रेंज में ही शुरू होने जा रही है जंगल सफारी, दोनों योजनाओं का मुख्यमंत्री धामी ने लोकार्पण किया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। का मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर लोकार्पण किया गया है। खटीमा में आज पुष्कर सिंह धामी ककड़ा क्रोकोडाइल ट्रेल का यहां पर लोकार्पण उन्होंने किया। क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखे गए। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, पूरे क्षेत्रवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को इस क्रोकोडाइल सफारी के इस उद्घाटन अवसर पर मैं सभी का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ कि आने वाले समय में ये क्रोकोडाइल सफारी ये हमने बहुत आगे की सोच के साथ इसको यहाँ पर प्रारंभ किया है। 2016 से हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हमारे यहाँ के डीएफओ साहब संदीप जी भी हैं, उनकी पूरी टीम, सारे लोगों ने, वन विभाग के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके बन जाने से इस क्षेत्र को एक इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में मदद मिलने वाली है। जैसे ये सफारी चालू होगी तो यहाँ पर सैकड़ों लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा, हमारे होटल व्यवसायियों को मिलेगा, आसपास के क्षेत्र वालों को मिलेगा। अभी आप सब लोगों की जानकारी में है कि होम स्टे जो योजना है, उस योजना के माध्यम से भी हम लोग अपने घरों में अतिथियों को रुकने के लिए 2 कमरे, 3 कमरे, 1 कमरा, 2 कमरा जितना भी बना सकते हैं वो भी बनाएंगे। क्योंकि आज पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार का जो वनों से आच्छादित क्षेत्र, हमारा नदियों से आच्छादित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में आज होम स्टे को लेकर लोगों में काफी रुझान बढ़ा है। हम अपने घर में ही 2 कमरे ऐसे बना लें, जिसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहन देने वाली है, सरकार सब्सिडी देने वाली है, और उसमें आप जो लोग यहाँ क्रोकोडाइल सफारी देखने आएंगे, यहाँ रुकने आएंगे, अच्छा उनको यहाँ का अनुभव मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी जलवायु मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो आपके घर में भी वो रुक सकते हैं। और सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है, उसके माध्यम से हम पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, आसपास के लोगों को, उनको रोजगार का भी अवसर मिलेगा। सभी लोग मिलकर हम आर्थिकी का भी जो है विशेष ध्यान रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि सभी लोग जो सरकारी नौकरियां हैं वो, उसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि सबको रोजगार मिल पाए। उसके साथ साथ इस प्रकार के स्वरोजगार के कार्यक्रमों से हम जुड़ेंगे तो सभी को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राम प्रधान जी और उनकी पूरी टीम, हमारे मलकीत सिंह जी बैठे हैं, हम लोग जो होम स्टे की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, उस होम स्टे की योजना को इस क्षेत्र में भी जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव हर तरीके से यहाँ पर मदद करेगी। जो भी सुविधाएं देनी होगी सरकार की तरफ से आएंगी। आज एक क्रोकोडाइल सफारी का यहाँ पर इसका लोकार्पण हुआ है, इसमें 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर मगरमच्छ हैं। आने वाले समय में हम आप यहाँ पर हमारे विभाग के, अगर PWD विभाग के अधिकारी होंगे तो मैं उसे कहूँगा कि आज ही इसका DPR बनाकर, तत्काल इसकी DPR बनाकर ये रोड पूरी ठीक होनी चाहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक इसकी कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। इसके लिए मैं अभी कहूँगा कि भाई का एक लाइन का पंक्ति पर प्रस्ताव श्री शासन को प्रेषित कर